राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बेकरी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत जिले के थ्वालखेड़ा ग्राम पंचायत में महिला समूह की महिलाओं को 7 दिवसीय बेकरी उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान इन महिलाओं को ब्रेड, बन, क्रीम रोल और मोटे अनाज के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं भविष्य में खुद का स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सकें। प्रभारी जिला विकास अधिकारी विम्मी जोशी ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह की महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मोटे अनाज के उत्पादों के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत उनको आजीविका से जोड़ने हेतु हम लोगों ने एक बेकरी का संचालन थ्वालखेड़ा में प्रारंभ किया है और उसी के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा था। ये सबसे अच्छी बात इसमें यह थी कि हमारी जो प्रशिक्षिकाएं थी इसमें महिला प्रशिक्षिकाएं थी। आप जानते हैं कि जो यूएन है वो इस साल यूएन ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है, तो उसी के संबंध में आपको ये भी बताना है कि इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम लेकर आगे चल रहे हैं। बेकरी का प्रशिक्षण ले रही कमला मेहता ने बताया कि गांव की कई महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका कहना है कि इस प्रशिक्षण से उनको भविष्य में स्वरोजगार करने में मदद मिलेगी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। और वो महिला बहने हैं, यहाँ पर बेकरी की ट्रेनिंग ले रही हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है। हमारी अल्मोड़ा से 2 दीदी लोग आए हैं और हमें इससे हमारी बेकरी का कार्य भी होगा और आजीविका बढ़ाने के लिए हमारी जो एनआरएस से ये कार्य हमारी एपीटी मैडम ने, बिन्नी मैम ने हमें दिया है। सरस्वती बोहरा ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत उन्हें 7 दिवसीय बेकरी उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हें ब्रेड, बिस्किट, नमकीन और केक बनाना सिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा जो बेकरी की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग है। इसमें हम लोग क्रीम रोल, पफ और जीरा बिस्कुट और बन, ये चीजें और मड़वा बिस्कुट या नमकीन, ये अत्याधुनिक चीजें समय सिखाई जा रही है।